स्टूडेंट होप यू आर फाइन। अच्छा बेटा, चैप्टर 9 एनर्जी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। क्या कहा हमने, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी है क्या। कल मैंने आपको डिटेल में बताया कि हमें जो है अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी, ठीक है। जो भी काम हम कर रहे हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, सब करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो क्या है एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, क्या है, हमें काम करने के लिए किसकी जरूरत है, क्या चीज रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, या एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो फिर कल हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं जिसके जरिए हमें जो है वो एनर्जी मिलती है, यानी कि जराए के जरिए जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। देखा था हमने मेन सोर्स तो क्या था आपके पास, सन था। इसके अलावा हमने देखा वाटर को, वाटर भी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी में है आपके, वाटर से भी हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा हमने देखा था और हमारे पास फ्यूल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और फिर हमने विंड को भी देखा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें, ठीक है। किन किन शक्लों में, किन किन फॉर्म्स में एनर्जी जो है वो मौजूद है, कितनी, कौन कौन सी फॉर्म्स में मौजूद है। नंबर 1 इज हीट एनर्जी, नंबर 2 इज लाइट एनर्जी, 3 इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड नंबर 4 इज द साउंड एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी जिस तरह हमने कहा इसका मेन जो सोर्स है वो क्या है आपके पास, सन। सन से मिलती है हमें हीट एनर्जी, गर्माइश जिसे हम कहते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलती है आपके पास, गर्माइश जो है ये हीट एनर्जी है, और इसका मेन जो सोर्स है वो क्या है आपके पास, सन। सन, वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम सन। और कहाँ कहाँ से मिलती है हमें हीट एनर्जी, बर्निंग के प्रोसेस से मिलती है हमें हीट एनर्जी। कहीं भी आग लगी हुई हो तो आपने देखा है ना क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, गर्म हो जाती है वो जगह, वो सराउंडिंग गर्म हो जाती है। तो बर्निंग के प्रोसेस में जो है वो भी क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। या बर्निंग में स्टोव है, स्टोव चूल्हा जो चलाते हैं हम, उससे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फायर को हम जला, फायर जो है वो लकड़ी जला रहे हैं तो फायर प्रोड्यूस होती है। आग जलती है उससे भी आपके पास क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। या आयरन आपने देखा होगा, कपड़े प्रेस करते हैं आप, तो उससे भी आपके पास क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये है आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। सेकेंड लाइट एनर्जी, नहीं, कौन सी एनर्जी है जिससे हम क्या क्या हासिल करते हैं, रोशनी, ठीक। तो और अपने डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसका भी मेन सोर्स लाइट एनर्जी का, और या बिगेस्ट सोर्स क्या है आपके पास, सन। वी गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम सन। अब सन तो आपके पास डे टाइम में मौजूद है, तो डे टाइम में तो हमें लाइट एनर्जी सन से मिल जाती है। नाइट के टाइम में जब सन मौजूद नहीं होता तो फिर हम अदर सोर्सेज भी यूज़ कर रहे होते हैं लाइट एनर्जी को हासिल करने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं जिससे हमें लाइट एनर्जी मिलती है, लाइटेड बल्ब है, ठीक है, बल्ब जलाते हैं हम। इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, ट्यूब लाइट्स या आप एमरजेंसी लाइट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो सबसे हमें क्या मिलती है, लाइट एनर्जी। कैंडल यूज़ की जाती है और कैंडल से भी हमें क्या मिल रही होती है, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो ये है हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी। चलिए थर्ड पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, कौन सी, जिसके हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिटी है ये हमारी, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिटी जो हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक सिटी के जरिए हम क्या करते हैं, क्या क्या हम कवर कर रहे हैं, हम अपने फैन जो है हमारे किसकी मदद से चल रहे हैं, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक सिटी से चल रहे होते हैं। आपके लाइट्स हैं, आपकी ट्यूबलाइट बल्ब या जो कुछ भी हम लाइट यूज कर रहे हैं वो भी सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। डिफरेंट मशीन्स जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं वो भी किसके जरिए चल रही होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या है, बनाई जाती है, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद नहीं है, ये बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, पावर स्टेशंस में, ठीक है। वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर स्टेशन। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और फिर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे, हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में, हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो कहाँ से मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें पावर स्टेशन से। लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आती है आपके पास, बैटरीज हम यूज़ करते हैं, लाइट चली जाती है तो UPS का इस्तेमाल करते हैं ना हम, तो उसमें क्या होती है, बैटरी होती है। उस बैटरी से जो है वो क्या आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गाड़ी
आप गाड़ियां देखी हैं आपने, तो गाड़ियों में भी हम क्या यूज करते हैं, करंट देते हैं, वो किसके जरिए आता है, बैटरी के जरिए, ठीक है, बैटरी। इसी तरह टॉर्च सेल है, सेल वगैरह घड़ी में हम सेल लगा रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो किससे, टॉर्च सेल के जरिए। टॉयज वगैरह इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, सेल। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज द साउंड एनर्जी, ठीक है। साउंड एनर्जी कौन सी होती है, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी जो हम जिसकी वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वी गेट साउंड एनर्जी बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, बॉडी के वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी, ठीक है। तो साउंड एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ये देखें एक एक्टिविटी के जरिए आपको पता चलेगा, ये देखें ये है आपके पास बाउल है, इसके अंदर जो है हमने वाटर लिया हुआ है और अब मैं इसमें साउंड प्रोड्यूस करवाऊंगी, कि अब ये वाइब्रेशन की वजह से ये देखें क्या हो रहा है, साउंड आवाज आ रही है आपको और वाइब्रेशन भी आपको नज़र आ रही है पानी में, ठीक है। पानी जो है जिस तरह मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड आवाज़ आई है भी आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह से आप ड्रम वगैरह बजा लें या स्कूल में आपकी बैल बजती है, घंटी बजती है, घट और सब जगह जो है तो साउंड कहीं भी प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से है, वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड, ठीक है। चलिए बुक पे आते हैं, हम बुक पे देखते हैं कहाँ मौजूद है हमारा ये टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड टू डू वर्क फॉर अस, ठीक है। कौन सी हैं, फॉलोइंग आर सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, नंबर वन इज हीट एनर्जी, वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम सन, स्टोव, फायर एक्सेट्रा, ठीक है। देख लें मुख्तलिफ फॉर्म्स आपको मौजूद, हीट एनर्जी जहाँ जहाँ से मिल रही है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है सब, ठीक है। लाइट एनर्जी, वी गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, सन से आ रही है लाइटेड बल्ब, ठीक है, बल्ब जो है उससे आपको ये लाइटेड बल्ब से मिलेगी और इसके साथ कैंडल से भी क्या है आपको मिल रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम पावर स्टेशन, बैटरी, टॉर्च और सेल, ये पावर स्टेशन से जो आती है फिर पोल के जरिए, वायर्स के जरिए हमारे घरों में आ रही है, ये भी बैटरी में मैंने बताया, हम यूपीएस में भी यूज़ करते हैं, गाड़ियों में भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वॉचेस में आपने देखा सेल जो है यूज़ कर किए जाते हैं और इससे जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली जाती है। इसी तरह ये सेल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं टॉर्च सेल्स, इसको भी हम यूज़ करके मुख्तलिफ इक्विपमेंट में इसको यूज़ करते हैं। साउंड एनर्जी, वी गेट साउंड एनर्जी फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडीज, ठीक है, बॉडी के वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी। ये देखें ड्रम है, इस ड्रम को जो है वो हिट करें तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ भी देख लें एग्जाम्पल सारी मौजूद हैं, तो ये है हमारा क्या, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। चलें एक्टिविटी पे आते हैं, एक्टिविटी नंबर वन कहते हैं मैच द ऑब्जेक्ट विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास और आपके पास ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। अब ऑब्जेक्ट को जो है वो आप मैच करें कि उस किस्म के अंदर किस ऑब्जेक्ट में कौन सी फॉर्म्स है एनर्जी की, ठीक है, कौन सी फॉर्म एनर्जी की मौजूद है। चलें पहले आते हैं हम, ये क्या है यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, लैम्प, लैम्प से हमें कौन सी एनर्जी इसके अंदर मौजूद है, लाइट एनर्जी, ठीक है। लैम्प को हमने किससे मैच किया, लाइट एनर्जी से। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन, ठीक है, आयरन से हमें, अच्छा आयरन को हम क्या कर सकते हैं, आयरन को कुछ आयरन को जब वर्क कराना है हमें तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर इसके बाद क्या मिलती है हमें, इससे हीट एनर्जी भी मिलती है। तो दोनों से मैच करेंगे आप, हीट एनर्जी से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रेडियो, रेडियो से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी से मैच कर दिया हमने। क्या है ये, फायर, फायर से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। इसके बाद ये क्या है आपके पास, लालटेन है, ठीक है, पहले यूज़ करते थे और किस लिए यूज़ करते थे, लाइट जो है वो इससे लाइट प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है, लाइट एनर्जी, ठीक है। इसके बाद आ जाए क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर को के अंदर कौन सी कुछ एनर्जी से ये वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है। अच्छा जी ये क्या है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन हम क्यों यूज़ करते हैं, गर्म करने के लिए चीज़ों को, तो कौन सी एनर्जी मिल रही है इससे हमें, हीट एनर्जी, ठीक है। ये है दिया, पता चल रहा है इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट एनर्जी, ठीक है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है, फॉर्म्स कौन सी एनर्जी की फॉर्म है, लाइट एनर्जी।
ठीक है, ये क्या है, चिमनी, क्या है इससे, कौन सी एनर्जी नज़र आ रही है, आग जल रहा है ना, इसमें आग जल प्रोड्यूस हो रही है, फायर, तो क्या होगा, कौन सी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। और यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी, वाइब्रेशन नज़र आ रही है और एनर्जी प्रोड्यूस होगी वाइब्रेटिंग बॉडी से, साउंड एनर्जी, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो क्या है, आपका होमवर्क है, आप उसे खुद करेंगे, ठीक है, होमवर्क नोट कर लें आप लोग। होमवर्क क्या है, रीड पेज नंबर 114-115, जो अभी मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया है वो पेज नंबर 114 और 15 पे मौजूद है, ठीक है, आप इसे रीड कीजिएगा। और एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो आपको करनी है होमवर्क में, ठीक है, चैप्टर 9 से। एक्टिविटी 2 क्या है देख लेते हैं, पेज नंबर 117 पे, राइट द नेम्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर द फॉलोइंग थिंग्स, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखना है, ये थिंग्स आपके सामने हैं, इन पे कौन सी फॉर्म से एनर्जी की वो लिखें, ठीक है, नज़र आ रहा है, देखें कौन सी एनर्जी है, यहाँ देखें, ठीक है, डोर बेल पे जो है जब कहीं जाते हैं आप तो क्या बजाते हैं, कॉल बेल, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये जन आपके पास ये मोटर है तो मोटर को रन करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, ये बेल है इसमें बताएं, ठीक है, लैंप है, फायर है, तो ये फॉर्म्स लिखनी है जो हमने डिफरेंट अभी फॉर्म्स पढ़ी, कर लेंगे, ठीक है, चलें जी, समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।